अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, कि आज का मैं नुस्खा ये बता रहा हूँ कि वो जो ना बच्चे या बच्चियाँ के जिनके जो ना चेहरे पर जो ना फालतू बाल जो ना आ जाती है, उन्हें शुरू हो जाती है, यानी चेहरे के फालतू बाल को के ख़त्म करने के लिए मैं जो ना आसान जो ना एक फार्मूला बता रहा हूँ। घर में खुद बना के आप जो ना इस फार्मूले को आप जो ना इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों गौर से सुने, जो लिखना चाहें वो लिख लें, जो ना ये फार्मूला बहुत जो उमदा फार्मूला है। तो फार्मूला ये है कि कुछ लड़कियों के चेहरे पर जो ना बहुत ज़्यादा जो ना बड़ी एक बार जो ना चेहरे पर जो ना आ जाती हैं, उन्हें शुरू हो जाती हैं, तो वो बहुत जो है ना नापसंदीदा होती हैं। वो लड़कियाँ उनको जो ना अच्छा नहीं समझती। ये एक जो ना चेहरे की खूबसूरती को बदनुमा जो है ना जहर करती हैं। तो जिससे चेहरा जो ना के बाद नुमा लगता है, इसके लिए बहुत ही जो ना कि उमदा मैं जो ना फार्मूला लेके मैं जो ना हाजिर हुआ। तो जो ना आप ऐसा करें कि एक जो ना खुबानी आप जो ना बाजार से ले लें ताज़ा। इसमें आप समझें कि अगर खुबानी का मौसम है तो आप जो ना ताज़ा ले लें। आप जो ना कि ताज़ा लेना, यानी जो ना आधा पाव ले लें या खुबानी, उसमें जो ना आधा पाव में से एक को जो ना कुचल कर उसमें जो ना चाय का एक चम्मच, दूसरा शहद का एक चम्मच मिलाकर उसको जो ना बारीक करें, आप जो ना पेस्ट जो ना बना लें। तो रात को सोने से पहले आप जो ना चेहरे पर लगा कर 15 मिनट तक आप जो ना छोड़ दें, और हल्की हल्की आप जो ना मसाज करें चेहरे पर छोड़ दें। सुबह को आप जो ना जब उठेंगे तो जो ना अच्छे वाले साबुन के साथ, बेहतर यह है कि नीम का बना हुआ जो साबुन होता है ना, उससे जो ना आप जो ना चेहरे को धो लें। ये अमल आप जो ना एक हफ्ता करें, कि चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं जिनके चेहरे पर जो ना फालतू बाल जो ना के बाल जो ना आ जाते हैं, तो 3 दिन के अंदर अंदर खुद महसूस होना शुरू हो जाता है कि बाल जो ना कि ख़त्म होने शुरू हो जाती है। अब दूसरी बात यह है कि अगर खुबानी का जो मौसम नहीं है, जिस तरह जो ना आजकल के ये मौसम नहीं है, आप जो ना ऐसा करें कि खुश्क खुबानी जो है ना कि पंसारी से जो मिल जाती है, पंसारियों की दुकान से चले जाएं, जो ना आसानी के साथ मिल जाती है। खुबानी का मौसम हो तो ठीक है, वरना खुश खुबानी जो है ना के लेकर के रात को पानी में भगो दें तो सुबह तक वो नरम हो जाती है। तो जब वो नरम हो जाए, उसमें जो ना एक चम्मच चाय का एक चम्मच जो ना शहद का मिलाकर पेस्ट बना लें, और ये बना के आप जो ना चेहरे पर जो ना के लगाएं, करीम की तरह जो ना, जिस तरह करीम जो ना लगाती हैं कि लगाएं, तो जो लगाएंगे तो ये बाल जो फालतू बाल हैं ख़त्म हो जाएंगे और चेहरा शादाब हो जाता है, चेहरा खूबसूरत हो जाता है, कि फालतू जो बाल हैं कि वो जो ना ख़त्म।